नमस्कार मित्रों, आज आप देख सकते हो हमने अमेजोन से कुछ स्पेशल मंगाया है और वो स्पेशल चीज है हमारा कुकर। तो आप देख सकते हो ये सिर्फ कुकर ही नहीं मिला है हमको, साथ में एक पैन भी मिला हुआ है। तो इस पैन में और कुकर में कुछ अच्छे फंक्शंस दिए हुए हैं जो पुराने कुकर्स में नहीं होते थे। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। ये देख सकते हो आप, ये जो हमने मंगाया है कुकर काफी ब्रांडेड कंपनी का है। तो ये देख सकते हो, ये जो कंपनी है हमारा प्रेस्टीज है। और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस्टीज स्वच्छ प्रेशर कुकर। तो आप सोचते होंगे ये स्वच्छ क्यों लिखा हुआ है, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें स्वच्छ क्यों लिखा हुआ है। तो ये देखिए खोलने के बाद हमें क्या मिलता है। पहले तो हमको ये देखिए उसके ऊपर का हेड मिला हुआ है जो कुकर के ऊपर लगेगा। इसके बाद हमें ये पैन मिल रहा है, ये देखिए ये पैन देखिए काफी खूबसूरत है। इसमें देखिए खांचे बने हुए हैं, यही इसका स्पेशल फंक्शन है खांचे का, वो आपको अभी दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए ये हमें मिला है कुकर। ये जो कुकर का कैपेसिटी है 3 लीटर है, ये देखिए इस पर भी लिखा हुआ है प्रेस्टीज। और ये जब देख रहे हो ये सब एल्युमिनियम बॉडी है और साथ में हमको ये मिला हुआ है वारंटी कार्ड, ये देखिए। और तो वारंटी कार्ड के अंदर है इसका सीटी भी है। अभी आपको मैं सीटी दिखाना चाहता हूँ। वो देखिए उसके आगे मैं सीटी निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ये भी पैक हुआ है। तो इसका सीटी तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ स्पेशल ही लग रहा है इसका सीटी। ये देखिए ये है इसका सीटी, देखने में काफी बढ़िया है और इस पर भी प्रेस्टीज का ब्रांडिंग किया हुआ है। तो अभी मैं आपको इसे लगा के दिखाता हूँ कि कैसा रहेगा। ये देखिए इसमें एक रबर का सील भी दिया हुआ है, ये देखिए इसका रबर का सील है ब्लैक कलर का। अब इसको देखिए हमें इस पर फिटिंग करना है। तो ये देखिए ये है हमारा कुकर और ये है हमारा इसका हेड। तो इसका लगाने का तरीका कैसा है आप देख लीजिए। जो आप इसको देख रहे हैं खांचा, पहले आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये देखिए जो ये खांचा देख रहे हो ना आप, इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये देखिए ज्वाइन किया, इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए, उसके बाद आपको घुमा देना है। और ये देखिए ये टोटली पैक हो गया और इसके ऊपर आपको यह सीटी लगा देना है, ये देखिए। तो इसमें अच्छा फंक्शन क्या दिया हुआ है कि ये देखिए इसका हैंडल पूरा ज्वाइंट हो गया है, इसमें से जो गैस का लीकेज वगैरह है बिल्कुल नहीं होगा। और जहाँ पे यहाँ पे देख रहे हो डीप, ये डीप बहुत काम का है। जब भी आपका प्रेशर से इसमें से पानी वगैरह निकलेगा तो यहीं पे जम जाएगा, आपके जो स्टोव वगैरह है उसको गंदगी नहीं करेगा ये। लेकिन जो हमारा एक पुराना है कुकर वो देखिए, ये देखिए ये हमारा पुराना कुकर है, ये देख सकते हो आप। इस पुराने कुकर में प्रॉब्लम क्या था, इसके जो नट वगैरह है हमेशा ढीला हो जाता है। कितने बार हमने इसको रिपेयर कराया है। बाद में ये देखिए इसका हैंडल भी पूरा उखड़ गया है और इसका जो ये सब सिस्टम है ये बाद में निकल जाता है, खराब हो जाता है। तो इसमें ये सब प्रॉब्लम्स है। तो पुराने कुकर आप अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने के बाद आप इस टाइप का ही कुकर लीजिएगा जिसमें वो नट वगैरह का कुछ झमेला ही नहीं है। उसको पकड़ के उठाने वगैरह में भी बहुत आसान है, खोलने में भी आसान है। बट इसमें एक छोटा सा दिक्कत है जो आपको एक बार सीख लेना है कैसे होता है। अभी इसका तो मैंने दिखा दिया, अभी आपको मैं इस पैन में लगा के दिखाता हूँ। ये जो पैन है इसमें आप कभी थोड़ा सा भात वगैरह डालना चाहते हो तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे एक दो लोग हैं, और जैसे 4-5 लोग हैं तो आप इसका इस्तेमाल करिए। तो अब ये देखिए फिर से आपको मैं बता दूं, ये जो एक कॉर्नर देख रहे हो, ये जो कॉर्नर है आपको यहाँ पे पहले ज्वाइंट करना है। ये देखिए ज्वाइंट करने के बाद अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा इसको, ये देखिए इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। आपको प्रेस हो गया अच्छे से, अब बस आपको इसको रोटेट करना है। ये देखिए ये हैंडल इसको मैच करना है, तो आराम से ये लग गया। तो ये देख सकते हो एक छोटा कुकर हो गया और ये एक बड़ा कुकर हो गया। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।